केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9.5 वर्षों की उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में चली हुई है। वहीं बिलासपुर जिला की सभी पंचायतों में भी ये यात्रा केंद्र की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी के चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के तहत बहना ब्राह्मणा व बलघाड़ पंचायत पहुंची, जिसमें केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं झंडूता पहुंचने पर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन की LED स्क्रीन पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती वीडियो भी देखी। इस दौरान झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के कोने कोने में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाना है, साथ ही सुविधाओं से वंचित लोगों द्वारा फॉर्म भरकर योजना का लाभ मिलने की बात कही। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने जनता के द्वार अपनी सरकार व योजनाओं को ले जाने का काम किया है, जिससे आने वाले समय में जनता के बीच सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। लाखों लोगों को इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में लाभ मिल चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। जिसको निमंत्रण मिला हो 22 जनवरी का, केवल वही अयोध्या धाम जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत व्यवस्था के अनुरूपी काम हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो अव्यवस्थित काम होने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि 22 तारीख से शुरुआत होगी। आने वाले महीनों में कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन 22 तारीख को सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिसको निमंत्रण है उस दिन वही वहाँ पे जाएं, बाकी अपने अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने मंदिरों में राम जी के प्रार्थना भी करें, कीर्तन भी करें, जो उनको करना है भक्ति भाव में लीन होकर वो करें। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है, कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर नहीं आती, कांग्रेस कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। जबकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके अभूतपूर्व उसके रिजल्ट आए हैं। ये साफ देखने के मिला कि जहाँ पर आपने विकास किया वहाँ पर आपको ज़्यादा वोट मिला। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहता हूँ कि आपने तो वर्षों तक लोगों के साथ अन्याय किया, उनको गरीबी में धकेला, उनको न्याय नहीं मिलने दिया, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने गरीब जनता को न्याय भी दिलाया, सुविधाएं भी दिलाई और आज 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। देखिए, जो इंडी गठबंधन में है आपस में ही न्याय ना कर पा रहे हो, सीटों पे तालमेल ना हो, जहां पर अधिकतर उनके नेता गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में या जेल में या बेल पर हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे।